समान नागरिकता कानून पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि यह संसद से पारित हो चुका है, इस पर बयान और टिप्पणी व्यर्थ है। वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ को इसे मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए, मुख्यमंत्री अब इस पर भ्रम न फैलाएं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने राष्ट्रीय नागरिकता कानून को लेकर एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता कानून संसद में पारित हो चुका है, सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, इस विषय पर अब ज्यादा टिप्पणी बयान व्यर्थ है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। लक्ष्मण सिंह हमेशा हर फोरम पर अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी इस बड़े मसले पर उनकी मुखरता सामने आई है। दूसरी ओर समान नागरिकता कानून पर कमलनाथ के बयान पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा अब यह देश का कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है, अब इसके लिए यह कहना कि इस पर विचार होगा या कांग्रेस के दृष्टिकोण से विचार करेंगे ठीक नहीं है। कांग्रेस बिना सोचे समझे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। पार्टी से ऊपर देश होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद यह देश का संविधान हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कहना कि हम इसे पारित नहीं करेंगे या इस आशय से संकेत देना, मैं मानता हूं कि इससे संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में पैदा होगा। बिल की मूल भावनाओं को समझे बिना जिस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया देश के अंदर कांग्रेस के लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं वो चिंतनीय है, और इसलिए मेरा आग्रह सबसे है कि उसके मूल भाव को समझें। किसी की नागरिकता समाप्त करने का उद्देश्य इस बिल में नहीं है, नागरिकता देने का मामला है। ये भ्रम पैदा कर रही है देश के अंदर कांग्रेस। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।